वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, सभी वीडियो का पीडीएफ वहां उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जापानी इंसेफलाइटिस। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारणों जो रोग उत्पन्न होता है वह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैरास्मस। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा प्रवर्तित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवरक्त। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की शक्ति के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस जापान और उसके बाद रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। क्यूरियो सिटी रोवर हो जाएगा इसका हो जाएगा यूएसए का मंगल ग्रह अनबेंसी अंतरिक्ष यान। उसके बाद हो जाएगा मैसेंजर का हो जाएगा नासा का बुध ग्रह अनबेंसी अंतरिक्ष यान हो जाएगा। रुस्तम बन हो जाएगा डीआरबीओ का मानव रहित वायुयान। आकाश दू हो जाएगा टेबलेट। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जैव रासायनिक से अभिक्रियाओं की दर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल से टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अलवार संत नहीं था? सही उत्तर इसका हो जाएगा तिरुझान। ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम से व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभद्र। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था?
राइट आंसर इसका हो जाएगा एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा से उत्तर एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला से कौन मध्यकालीन शासक था, से उत्तर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम के किस ग्रंथ में मिलता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षक के रूप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी के लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, से उत्तर इसका हो जाएगा इंतु, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा से उत्तर इंतु। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, से उत्तर इसका हो जाएगा अबुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा से उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा खुर्रम महाबत खान और खुसरो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुर्रम महाबत खान और खुसरो, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक के जेम्स प्रथम से का राजदूत था, राइट आंसर इसका विलियम हॉकिंस, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से के साथ से अरुणा अशफ अली जुड़ी है, से उत्तर इसका हो जाएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है तो ये हो जाएगा से उत्तर लेडी कैथरीन मेयो जो हो जाएगा मदर इंडिया डोमिनिक, इसका हो जाएगा लारी कॉलिंस एंड लापियरे हो जाएगा फ्रीडम से एक्ट से मिडनाइट, फ्रीडम एक्ट मिडनाइट हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का हो जाएगा राम मनोहर लोहिया हो जाएगा गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया कूट में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से किसके द्वारा से भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, राइट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3/20 भूभाग पर से नील जी की खेती करना, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद से हमेशा बना रहेगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा से उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है डेक्कन से एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा से उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना से या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा से उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग से गठित करने का प्रावधान संविधान से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 338 और 338 ए हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान से संविधान से में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 331 के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकरण ये सही नहीं है, ये हो जाएगा राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये सब सही है।
अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? राइट आंसर 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन से क्रिया प्रणाली से के रूप में सुनिश्चित करती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन इसका हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक से निकाय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। हमारे संविधान के 21 भाग में 300 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना से की गई है, राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 9 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नवी अनुसूची में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका मूल से अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम से गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा जाकिर हुसैन तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये सही नहीं है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मार्ग कर, टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, ये सभी भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। मार्ग कर, टोल टैक्स जो है ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। उदारीकरण से, निजीकरण से और भूमंडलीकरण से की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री, इसका हो जाएगा नरसिम्हन राव द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राइट आंसर इसका न्यास पर, ऑप्शन बी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक से LIC और से GIC, IDBI, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण से आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण से पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दालें, ऑप्शन डी दालें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो से मिलान करना है, कागज हो जाएगा टीटागढ़ हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा लखेरी, लोहा और इस्पात हो जाएगा भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला हो जाएगा अंबाला, मुकुल कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन ए, काली मिट्टी से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कथन ए सही है परंतु और गलत है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो से मिलान करना है, जब मंडल भंडार और अवस्थिति है जो है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नोकरेक हो जाएगा, नोकरेक मेघालय हो जाएगा, मनास हो जाएगा असम, दिहांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई हो जाएगा केरल, कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन से उत्पादक घटक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? राइट आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक से अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र से निम्नांकित में से कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महासागर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड डाटा बुक में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जैव मंडल से रिजर्व, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से का एक जैव सूचक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा से वायु प्रदूषण के कारण होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन से नियम से यूरो उत्सर्जन नियम से उत्सर्जन के मानक से है और ए एक से वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं? निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्साइड उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषणों से प्रदूषकों में से कौन से रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर देती है जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित से ओजोन से द्वारा से निम्नलिखित विकिरण से अवशोषित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रवैग्निक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि से प्रदूषण से कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 80 dB, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर 80 dB। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार जो उच्चतम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यान्ह रेखा से कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 82°30' पूर्वी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग से विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम से गलियारे मिलते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा झांसी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथुला जो है अरुणाचल के जगह सिक्किम हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में हो जाएगा, रोहतांग से हिमाचल प्रदेश और पालघाट जो हो जाएगा केरल में। ये सब सही है, नाथुला ये गलत था, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तो भारत के प्राकृतिक से बंदरगाह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोचीन और विशाखापट्टनम से जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम तो भारत में नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतलज के, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चिल्का झील, चलोकटक, केवलादेव और बुल्लर झील, सभी को हो जाएगा ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उकाई हो जाएगा गुजरात, उकाई गुजरात हो जाएगा, पतरातु हो जाएगा झारखंड, पेंच हो जाएगा पेंच मध्य प्रदेश में हो जाएगा और डाभोल जो हो जाएगा विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है? एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम जेके नगर, एल्यूमिनियम जेके नगर हो जाएगा, तांबा, तांबा हो जाएगा मालांज खंड, जस्ता, जस्ता हो जाएगा टुंडू, जूट हो जाएगा भाटपाड़ा हो जाएगा कूट में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक से निश्चित आकृति में व्यवस्थित
ताराओं का समूह कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नक्षत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबादी का नारा किससे संबंध है? राइट आंसर इसका राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, सिकंज में निम्नलिखित निम्न में से कौन सा दर्रा है? सेवतर इसका हो जाएगा नाथुला, सिक्किम में जो हो जाएगा नाथुला दर्रा है। अगला प्रश्न, सूची को सूची दो से मिलान करना है, ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो, युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सवकमीर की ने किया था, ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, सवकामी सवकमीर। इब्राहिम सलोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा दरिया खां नुहानी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, दरिया खां नुहानी। अगला प्रश्न है, आज़ाद दास्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राइट आंसर इसका अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टाने जिलों के किस समूह में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांका जमुई नवादा, बांका जमुई नवादा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य से कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा विक्रमशिला, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व है? राइट आंसर भारत की तुलना में से लगभग से 2.9 गुना अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुंगेर से के दक्षिण से पश्चिम से में स्थित सूरजगढ़ से इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेर शाह और नुहानी पठान से के बीच युद्ध के कारण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन से अधिवेशन से की अध्यक्षता की गई थी? राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के सत्र का अविश्वास करने के लिए प्राधिकृत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के दौर में क्या सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसमें ये सही नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मरीचिका का बनना उदाहरण है? राइट आंसर का कुल आंतरिक परावर्तन से का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर से लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने डेवलप करने के हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीनियर गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग जो हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा शरीन गैस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।